तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले भाई अपनी बात को हम लोग शुरू करेंगे जिला फाटू से। तो भाई जिला फाटू ने एक फाइनल हिंट दे दिया है क्या कि वो WWE के अंदर आने वाले हैं, एंड क्या WWE ने भी ये फाइनल हिंट अपनी तरफ से दे दिया है। मैं आपको बता दूं भाई क्या है अपडेट, तो आपको मालूम होगा WWE ID ये न्यू प्रोग्राम आया भाई WWE की तरफ से, एंड WWE वाले तलाश में कुछ अच्छे प्रोस्पेक्ट्स के साइन करना चाहते हैं भाई बहुत सारे टैलेंट्स को, जो कि फ्यूचर में मे बी मेगा स्टार बन के सामने आ सकते हैं। अब अभी भाई WWE ID के अकाउंट से एक ट्वीट आया था, आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे भाई ये लोग पूछते हैं संबंध बिन आईडीड, मतलब फैन से पूछते हैं कि गेस करो भाई कौन है, कौन आने वाला है, एंड ये है भाई रियलिटी ऑफ रेसलिंग का किसी ट्वीट को शेयर करके कोट। ठीक है, यहाँ पे भाई ये कहते हैं कि किसी को तो हमने साइन कर लिया, अब आप गेस करो भाई कि कौन होने वाला है, ये संडे को ये लोग रिवील कर देंगे। रियलिटी ऑफ रेसलिंग में जिला फाटू भी है, इनकेस इफ यू डोंट नो। जिला फाटू इसको कोट करके क्या डालते हैं आप देख सकते हो, सिंपल भाई ये पेंसिल एंड पेपर है, यानी कि इन्होंने डील साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। दिस मीन्स कि जिला फाटू इज नाउ ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ WWE, ही हैज साइंड विद WWE, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। WWE ID WWE से अलग नहीं है, हमें ऑलरेडी मालूम है कि WWE वाले भाई जिला फाटू को साइन करना चाहते थे, अप्रोच स्टार्टिंग से था लेकिन सही इनको कुछ समय दिख नहीं रहा था, एंड ऑल्सो बुकर टी का भी कहना था कि वो जल्द से जल्द भाई साइन करवाएंगे जिला फाटू को, एंड ये रेसलिंग स्कूल भाई बुकर टी का ये रियलिटी ऑफ रेसलिंग। सो वी ऑल नो भाई कि जिला फाटू के चांसेस 99.99999% है, तो ऐसे में भाई मोस्ट लाइकली जिला फाटू साइन कर चुके हैं, संडे को रिवील हो जाएगा जो कि अपने लिए मंडे होने वाला है। सो लेट्स सी भाई क्या होता है, फाइनली जिला फाटू यहाँ पे आएंगे, कुछ ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा थ्राइव करेंगे, एंड उसके बाद में आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है जब ये ब्लड लाइन वाली स्टोरी खत्म हो जाएगी तब मे भी हमें जिला फाटू देखने को मिलेंगे। फिलहाल भाई ये एक मैसिव अपडेट है जिला फाटू को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सैमी ज़ेन को लेके। भाई सैमी ज़ेन का एक बहुत ही हिलेरियस ट्वीट वायरल हुआ है ब्लड लाइन से रिलेटेड। आपको पिक्चर तो स्टार्ट में याद होगी भाई, जो ये सैमी ज़ेन बिल्कुल इनिशियली आए थे ब्लड लाइन में, तो पिक्चर काफी वायरल हुई थी भाई, एडिटेड पिक्चर रोमन रेंस उसोज के चाइल्डहुड से, जहाँ पे सैमी ज़ेन को भी इन्होंने डाल दिया था भाई, फैंस ने बनाई थी ये पिक्चर, काफी वायरल हुई थी काफी ज्यादा। तो भाई इसी को कोई एक फैन फिर से शेयर करता है, वापस से ये फोटो भाई रीसर्फेस हो रही है इंटरनेट पे। अभी हमें मालूम है कि जिमी उसो ने मेंशन कर दिया कि तुम फैमिली का हिस्सा नहीं हो, ये सारी बातें, तो ऐसे में भाई लोग कह रहे हैं कि कैसा नहीं है भाई, ये बचपन की फोटो कहाँ से आ गई। फिर इसी को कोट करके सैमी ज़ेन लिखते हैं कि मुझे याद है बहुत अच्छे से वो दिन, फ्राइडे का दिन था वो, हम लोग रात में निकले थे बाहर मस्ती करने मजे लेने, कहते हैं भाई कि गाड़ी में भाई सॉन्ग्स बज रहे थे DMX के, DMX हम लोग सुन रहे थे और भी बहुत सारी मस्तियां हम लोग कर रहे थे। कहते हैं कि वो एक ऐसा दिन था जो कि मुझे अभी तक याद है, व्हाट अ ग्रेट टाइम, ऐसा कहते हैं। कहते हैं कि वो दिन तो चले गए यार, सैड पार्टी है। तो ये एक क्लेम करते हैं एक फेक स्टोरी बना के कि भाई वो दिन इनको याद है जिस टाइम पे ब्लड लाइन के साथ घूमा करते थे, गेड़ियाँ लगाते थे। बाय द वे इस ट्वीट के ऊपर 61,000 लाइक्स है, 24 घंटे भी नहीं हुए, इवन 12 घंटे भी नहीं हुए, 7 घंटे के अंदर 61,000 लाइक्स है, 61,000। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू भाई कि ट्विटर पे 10,000 से ऊपर जितने भी लाइक्स वाले ट्वीट्स है भाई वो वायरल ट्वीट्स है। बाकी इधर ये जो फैन ने भी पोस्ट करा था ये पिक्चर वगैरह, इस पर भी 51,000 लाइक्स है, तो समझ लो भाई हाइप कितनी है। सैमी ज़ेन जब हक करेंगे ना रोमन रेंज को, बहुत वायरल जाने वाले हैं डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड है अपैरल्स को लेके अपडेट। टॉप सेलिंग अपैरल्स में आपको बता देता हूँ भाई कौन कौन से टैलेंट्स हैं जो कि टॉप पे चल रहे हैं फिलहाल। ये आप देख सकते हो टॉप 10 बेस्ट सेलिंग अपैरल ऑन WWE शॉप, ये 5 नवंबर की अपडेट। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 1 पे है रोमन रेंस OTC की हुडी के साथ में, नंबर 2 पे अगेन है रोमन रेंस OTC की टी शर्ट के साथ में, 3 पे जे उसो यीट वाली टी शर्ट के साथ में जो कि पिंक वाली है, 4 पे भाई यहाँ पे जॉन सीना फेयरवेल टूर टी शर्ट के साथ में, 5th पे अगेन जे उसो एक और यीट की टी शर्ट के साथ में, उसके बाद 6th पे आपको कोडी रोड्स देखने को मिलेंगे लावस कलवारी टी शर्ट के साथ में, नंबर 7 पे जिमी उसो द नॉट द वंस करके टी शर्ट के साथ में, नंबर 8 पे ब्रे वाइट पोर्ट्रेट टी शर्ट के साथ में, नंबर 9 पे भाई जे उसो गोल्डन यीट टी शर्ट के साथ में, एंड 10 पे है अगेन रोमन रेंस OTC स्लीवलेस हुडी के साथ में। ऊपर से नीचे तक देखोगे भाई आपको ब्लड लाइन के मेंबर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, नंबर 1 पे भी रोमन, नंबर 10 पे भी रोमन, नंबर 3 पे जे उसो, नंबर 9 पे भी जे उसो, नंबर 5 पे भी जे उसो, नंबर 7 पे जिमी उसो। ब्रे वाइट को देख के यहाँ पे काफी अच्छा लगा, कोडी रोड्स भी यहाँ पे, जॉन सीना भी है। मोस्टली यहाँ पे भाई आपको टॉप 10 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ब्लड लाइन के मेंबर्स ही आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई ये एक्चुअली में WWE को रन कर रहे हैं, एंड रिसेंटली मैंने आपको अपडेट भी बताई भाई कि जे उसो ने रोमन रेंस एंड CM पंक दोनों को कंबाइंड क्रॉस कर दिया है मर्ज सेल्स वगैरह में अक्टूबर के महीने में, तो बहुत ही मैसिव चीज थी भाई। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि जेकब फाटू को लेके। जेकब फाटू
फाटू की एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है भाई, वो स्कैम वाली की जेकब फाटू ने स्कैम करा एक एनजीओ को, पैसे नहीं लौटाए भाई, ये सारी बातें। तो ये वाली जो कॉन्ट्रोवर्सी हम लोग कवर कर रहे हैं अपने चैनल पे। फिलहाल भाई एक पॉजिटिव अपडेट आई है इसको निकल के सामने, कहना फाइटफुल सिलेक्ट का सोन रोसैप भाई ट्वीट करते हैं, लिखते हैं जेक्स नेटवर्क ऑफ होप कन्फर्म टू फाइटफुल सिलेक्ट दैट जेकब फाटू एक्चुअली मेड अ रीपेमेंट ऑन June 22 एंड दैट द हैड मिस्ड सीइंग इट। इसका मतलब हुआ कि भाई जेकब फाटू ने 22 जून को ही पेमेंट कर दी थी। अब या तो इस साल की बातचीत है यानी तो पिछले साल की है, मोस्ट लाइकली इसी साल की है। इस साल भाई 22 जून को पेमेंट जेकब फाटू ने पहले ही कर दी थी, लेकिन ये जो एनजीओ वाले हैं भाई इन्होंने मिस कर दिया था उसको देखना ही, एक्नॉलेज करना ही, यानी वो ध्यान ही नहीं दे पाए थे उस चीज़ पे, ऐसा कुछ अभी बताया जा रहा है। यानी कि जेकब फाटू की गलती नहीं है, आई मीन 100% नहीं कह सकते कि जेकब की गलती नहीं है। अगर वो 22 जून को भी वेट कर रहे हैं तो एक साल से कहाँ थे आप, अप्रैल की बात बताई जा रही है, लास्ट अप्रैल या फिर कुछ उसके अराउंड की बात बताई जा रही है। तो अगर जेकब ने पेमेंट वहाँ से अभी तक नहीं करी थी एंड अब जून में जाके करी, तो स्टिल वो सेम केस है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अभी जितना डीफेम करा गया वो शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट स्टिल आई स्टिल बिलीव भाई कि अगर जेकब फाटू ने इतना डिले करा इसका मतलब घोस्ट करा ही हुआ था इन्होंने। खैर ज़्यादा तो पता नहीं भाई हमें, क्या पता है दोनों साइड्स के बारे में, दो अपना अपना जानते होंगे। फिलहाल ये स्टोरी पब्लिक में, तो जितना कुछ पता मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपने रिलेटेड है डैमियन प्रिस्ट एंड गुंथर को लेके। इनका मैच गाइस अभी लॉक नहीं हुआ है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। टेपिंग से अपडेट निकल के सामने आई थी कि इनका मैच लॉक हो चुका है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। सुनने में मिला था हमें कि भाई डायमंड प्रिस्ट एंड जो गुंथर हैं आपस में कंपीट करते हुए आपको दिखेंगे SNME में, बिकॉज गुंथर के लिए नंबर वन चैलेंजर बन चुके हैं भाई। यहाँ पे डायमंड प्रिस्ट मंडे नाइट रॉ में जीत के कंटेंडरशिप मैच, अभी SNME में इनका मैच ऑफिशियल नहीं हुआ, तो अभी के हिसाब से भाई कन्फर्म नहीं है कि इनका SNME में ही होगा। हो सकता है कि मंडे नाइट रॉ में आपको देखने को मिल जाए और मे बी सर्वाइवर सीरीज, नो वन नोज, फिलहाल कन्फर्म नहीं है। तो आप कहाँ पर देखना चाहोगे कॉमेंट करके बताना। कुछ लोग भाई मंडे नाइट रॉ में देखना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक भाई कि डिजर्व करते हैं पेपर व्यू में या फिर किसी बड़े इवेंट में कंपीट करना वापस से टाइटल के लिए डायमंड प्रिस्ट, लेकिन उसका कोई आउटकम है नहीं हमें मालूम है भाई कि फिन बैलर आके कॉस्ट करेंगे तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। तो अगर वो देखे तो देन शायद मंडे नाइट रॉ ही ज़्यादा सही है। आप क्या सोचते हो भाई कॉमेंट करके बता देना जरूर से। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लेकर अपडेट निकल के सामने आई भाई स्टोन कोल्ड को लेकर। क्या रसलमेना 41 में स्टोन कोल्ड आने वाले हैं? सुनने में तो आया था भाई चांसेस काफ़ी हाई थे, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कतें हैं भाई स्टोन कोल्ड के साथ में। शायद आपने अपडेट सुनी भी होगी, बीच में आई थी, मैंने कवर नहीं करी भाई। स्टोन कोल्ड ना नी सर्जरी के लिए गए एंड वापस उनको नी में दिक्कत है कुछ, तो उसके लिए भाई वो गए तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, उनको नी रिप्लेसमेंट करानी है फिलहाल भाई। तो करेंटली दिक्कत ये है कि क्या वो इतनी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अभी हम लोग दिसंबर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मान लो सर्जरी इस महीने भी करते हैं तो दिसंबर जनवरी फेब मार्च अप्रैल के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा रेसलमेनिया। तो 4 महीने के अंदर क्या वो परफेक्ट हो जाएंगे कि वो रेसलमेनिया के अंदर आके मे बी फिजिकल भी हो सकें? चांसेस तो हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं चांसेस हैं, लेकिन थोड़े कम है। अगर फिट एंड फाइन रहते भाई तो थोड़े ज़्यादा चांसेस थे कि हमें स्टोन कोल्ड देखने को मिलेंगे। फिलहाल माना जा रहा है कि चांसेस स्टिल हैं, जैसे इन्होंने खुद से ही बोला कि ये शायद रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेंगे, तो चांसेस स्टिल हैं, लेकिन पहले से थोड़े से थिन है, थोड़े से स्लिम है। क्या आप देखना चाहोगे भाई स्टोन कोल्ड को रेसलमेनिया 41 में? एंड अगर हाँ तो भाई किस कैपेसिटी में, क्या किस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं स्टोन कोल्ड, वो भी आप पिच कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन के अंदर। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, तक आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।